देख लें, ये है एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा। इंग्लिश में इसे हॉर्स कहते हैं। अब जदीद दौर है, लेकिन दौर में ये सवारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता था। कैरेज लगा देते थे इसको, वो खींचता था, वो और सफ़र के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। और आपने टांगा का नाम सुना होगा, टांगा घोड़े के बगैर मुकम्मल नहीं है। घोड़े के पीछे एक कार्ड लगाते हैं, टांगा बन जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत गुस्से वाला बोर्ड है। ये जब इसको गुस्सा आ जाए तो ये अपने ऊपर किसी को बैठने भी नहीं देता। ये है हॉर्स। तो अब थोड़ा ख़तरे की तरफ जाते हैं। ये है क्रोकोडाइल, उर्दू में इसको कहते हैं मगरमच्छ। ये पानी के अंदर ज़्यादातर रहना पसंद करता है, पानी के बाहर भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ये पानी के अंदर इजीली शिकार कर लेता है। पानी के अंदर इसकी ताकत 10 गुना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जिस चीज़ को ये मुंह में लेके ये इस तरह अपने आप को रोल करता है, जब रोल करता है तो वो उस अगली चीज़ का गोश्त टूट जाता है, तो ये ईजिली खा सकता है। इसके अंदर ये जिस तरह आम एनिमल चबाते हैं, चबा के खाने वाली सलाहियत नहीं है, गोश्त का टुकड़ा पूरा ये अंदर रखेगा अपने मुंह के और इस तरह रोल करके उसको तोड़ेगा और पूरा ही निगल जाएगा। ये है क्रोकोडाइल। डायनासोर की एक स्पीसीज, इसका नाम है एंडीसॉर्स। ये इतना ख़तरनाक तो नहीं होता, लेकिन ये वेट इसका बहुत ज़्यादा होता है, ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इससे अब तो ये खैर रे ही नहीं, पहले सुना है, गानियों में सुना था, डेफिनेटली इसका वजूद भी होगा, जुटलाया तो नहीं जा सकता। साइंस तो इसकी शवायद देती है कि ये मौजूद थे। ये देखें, ये एक डायनासोर की एक और नस्ल है, इसका नाम है टेरेकासॉस। ये इसकी ताकत इसके नाक के ऊपर है, इसका ये सींग है, इसको ये मार के इस्तेमाल करता है। और ये बहुत ही गुस्से वाला जानवर है, चलता थोड़ा धीरे है, लेकिन इसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अब नहीं रहे, लेकिन साइंस बताती है कि ये थे डायनासोर की स्पीसीज में सबसे ख़तरनाक जो जानवर था वो ये था। ये सबसे ख़तरनाक है टाइनासोर्स, इसका नाम टाइनासोर्स था। ये तमाम डायनासोर्स के ऊपर हमला करता था, उनको खाता था। एक कहानियों में सुनने में तो यही है कि जब डायनासोर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी और इनके लिए खाने का बंदोबस्त बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था, तो ये एक दूसरे के ऊपर हमला करके एक दूसरे को मारते और खाते थे, जिसकी वजह से इनकी नस्ल ही ख़त्म हो गई है। लेकिन साइंस ये बताती है कि इनका वजूद था, शवाहद बताते हैं, इनकी काफ़ी चीज़ें मिली भी हैं। ये देखें, अब इनकी अब कुछ लोग ये कहते हैं कि डायनासोर्स कम होते होते मगरमच्छ की सूरत अख्तियार करके, जो मगरमच्छ इस टाइम दुनिया में पाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आखिर में एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट की, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। बाय बाय।